Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग? तो गाइज, आज मेरा एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया मेरा, क्योंकि मैंने रात को भी पढ़ा था। मैं 9:30 बजे तक पढ़ा था, 10-11 बजे तक पढ़ा था और सुबह उठा था 5 बजे, तो सुबह भी 1-1.5 घंटे मैंने याद किया था। तो एग्ज़ाम तो मेरा काफ़ी अच्छा गया, काफ़ी अच्छा मतलब एग्ज़ाम गया। और अभी भी बिल्कुल एग्ज़ाम दे के मैं घर आया हूँ, तो अभी तो यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं करी। मम्मी भी कहती यूनिफॉर्म चेंज कर ले और खाना वाना खा ले। चलो पहले यूनिफॉर्म चेंज कर लेते हैं, फिर खाना वाना खाते हैं। पहले गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ, मैंने यूनिफॉर्म भी चेंज कर दिया और पहले कपड़े पहन लिए और मैंने फेस वॉश भी कर लिया। तो पता है फेस वॉश तो सबको करना चाहिए, जब हम बाहर जाते हैं तो धूल मिट्टी हमारे चेहरे पर लगती है, तो फेस वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है बाहर से जाकर। तो मैंने फेस वॉश भी कर लिया और मम्मी ने मेरे को खाना भी दे दिया। आप देख, तो खाना खाने के बाद गाइस ऊपर चलेंगे धूप सेकने के लिए, ठंड बहुत ज़्यादा है आज, तो फिर ऊपर चलकर थोड़ी देर धूप सेकेंगे, तो पहले खाना खा लेगा। तो गाइस मम्मी ने दही और कचौड़ी दी आज, तो मज़े आ गए। तो गाइस ऊपर तो काफ़ी तेज़ धूप थी, तो मुझे देखो पसीने भी आ गए, तो मैं तो नीचे आ गया हूँ। आप रजाई में जाऊँगा मैं तो एक बार, मुझे ना रहना है धूप में, पसीने आ गए गाइस। मैं देख सकते हो आप, इतनी मतलब चेटी से काटने लगी मुझे, इतनी गर्मी लगने लगी ऊपर। और मुझे मुश्किल से हुए होंगे 10 मिनट हुए और 10 मिनट मुझे इतनी चेटी काटने लगी, तो भाई रजाई में ले लूँगा, तो मैं रजाई में जा रहा हूँ। ठीक है, अभी अभी भैया कहीं लेके जा रहे हैं, मुझे काम बताया और मम्मी बना रही है चाय, तो भैया के साथ जा रहे हैं काम करके आते हैं बाहर जाकर। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं आए रजाई बनवाने, भैया हो रहे, तो भैया रजाई बनवाने के लिए लेके आए हैं मुझे। तो आप देख सकते हैं रजाई वहाँ रख दी, अब तोल रहे हैं। फाइनली गाइस भैया ने कुछ डॉक्यूमेंट मंगाए अपने, तो ये रहे डॉक्यूमेंट, तो उन्हें डॉक्यूमेंट देने जा रहा हूँ दुकान पर। वो गिर गया, भैया को दे दिया डॉक्यूमेंट और मैं आ चुका हूँ दुकान के अंदर। भैया मुझे दुकान पर छोड़ गएंगे, तो थोड़ी देर दुकान पर रहे, तो मैं दुकान पर ही रहूँगा थोड़ी देर। जब वो आएंगे कुछ काम करने गए वही मार्केट में, उसके बाद फिर मैं घर चला जाऊँगा। तो अभी मार्केट तक गए कुछ सामान लेने, तब तक मैं दुकान पर ही हूँ। गाइस आज मेरा घूमने का प्लान था, पर प्लान हो गया ड्रॉप, क्योंकि जो मेरा दोस्त था ना वो आया ही नहीं। उसके मतलब उसने अपना दूसरा दोस्त भेज दिया कि तू इसके संग चला जा। तो भाई तुम्हें पता है, जब तक अपने साथ का ना हो कोई जिससे मतलब बात कर सके, एकदम मजाक हंसी जो होती है, तो जब तक बेकार है जाना, तो मैं तो अकेला गया ही नहीं, फिर मैंने मना ही कर दिया उससे जाने के लिए। तो गाइस आपको एक बात बताऊं, पता है जब मैं ब्लॉग बनानी मैंने शुरू करी थी, तो लोग बाग ना मतलब अब भी उड़ाते हैं, तो मेरा मजाक उड़ाते हैं बहुत, क्यों ब्लॉगर ये वो हाय गाइस ना मजाक करते हैं बहुत मेरे साथ, पर मैं उनको बुराई नहीं मानता। कल मुझे पता है, कल मैं आगे चले कुछ ऐसा ही बनूंगा, क्योंकि आप सबको मेरे साथ जो ये प्यार है, तो ये प्यार मुझे बहुत आगे तक लेके जाएगा। तो मैं कभी किसी को बुरा मानता ही नहीं, मैं अपने ना शर्म करता ना कुछ, कोई जो भी कह रहा कहने दो। क्योंकि गाइस अगर मैं आज सबका बुरा मान के बैठ जाऊँगा ना, जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ और मैंने बनाई बंद कर दी, तो सब पता करूँ क्या करेंगे, तूने तो ब्लॉग बनानी शुरू करी थी, अब क्या हो गया, अब क्यों शांत बैठ गया, अब बना बना। तो कुछ अच्छे लोग हैं तो कुछ बुरे लोग हैं, तो अच्छे जो लोग हैं वो कहते हैं भाई ब्लॉग बनाया कर, उत्तम सही अच्छी बनाता है, तो रोज़ डाले कर ब्लॉग। तो भाई रोज़ तो मैं डाल नहीं सकता, आपको पता है मेरे एग्ज़ाम चालू हैं, तो मैं जब थोड़ी देर मतलब 1-2 घंटे पढ़ लेता हूँ, उसके बाद जो टाइम मिलता है उसमें थोड़ी देर ब्लॉग बना लेता हूँ, और घर जा कर पढ़ूँगा, 10 बजे पढ़ूँ, 10 से 12 बजे तक पढ़ूँगा, उसके बाद सो जाऊँगा 4 घंटे। तो 10 बजे का पेपर है मेरा सुबह का, तो फिर सुबह उठ के 6 बजे एक बार और पढ़ लूँगा थोड़ा सा। मतलब नींद तो गाइस बहुत आती है पेपर देते समय, पर कोई नहीं, ब्लॉग एक दिन छोड़ कर एक दिन आएगी, पर ब्लॉग आएगी ज़रूर आपके पास। फाइनली गाइस हमारे कुत्ते आ चुके हैं खाने के लिए, आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, अब इनका खाना लेके आता हूँ मैं घर से। ये रहे हमारे कुत्ते 1, 2 और 1, 3, 3 कुत्ते हैं हमारे, अब इनके लिए खाना लेके आते हैं घर से। फाइनली गाइस मैं घर पे आ चुका हूँ और मम्मी ने जो हमारे कुत्ते हैं उनकी रोटी भी तैयार कर दी है, तो रोटी तैयार कर रही है मतलब मम्मी, अब दे रही है मुझे रोटी तैयार करके। तो उससे पहले मम्मी ने मुझे काम दे दिया कि भगवान जी की आरती कर दे, तो मैंने आरती तो कर दिया भगवान जी की, अब ऊपर हमारे खरगोश है उन्हें भी खोल के आना, तो मैं दिखाता हूँ आपको अपने भगवान जी, मैंने आरती तो कर दी है उनकी। तो गाइस ये है हमारा मंदिर और हमारे भगवान जी की, अभी अभी मैंने आरती की और अब भोग लगाऊंगा इन्हें दूध का। तो फाइनली गाइस मम्मी ने मुझे डॉग्स का खाना भी दे दिया, आप देख सकते हैं ये रहा खाना, अब मैं खाना लेके जा रहा हूँ, वो इंतजार कर रहे होंगे मैं दुकान पर। Right here.
I'm not thinking about how long it's gonna take now. I'm just thinking about our lives. You and me just laying blankets on a beach, and then at night I'll sing your favorite lullaby. I'm so glad I didn't give up easy. उसी के साथ गाइस आपने देखा, मैंने मतलब कुत्तों को भी खाना दे दिया है, तो अब चलते हैं घर। तो हे गाइस, आपको व्लॉग कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। तो इसी के साथ मैं इस व्लॉग का एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम सभी को।